साल के पहले दिन अपनी राशि अनुसार कर लें ये खास उपाय। नया साल 2023 जल्द ही आपके सामने दस्तक देने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि नव वर्ष में भी माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे, तो आप नए साल के दिन अपनी राशि अनुसार कुछ खास उपाय जरूर करें। साल भर घर में बना रहेगा धन का प्रवाह, नहीं होगी पैसों की कमी। दो दिन बाद वर्ष 2022 एक इतिहास बन जाएगा और हम वर्ष 2023 में विचरण कर रहे होंगे। सभी को ये उम्मीद है कि नया साल उनके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानियां नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि नव वर्ष में आपके हर एक कार्य बहुत अच्छे से पूर्ण हो और पैसों की कमी न हो, साल भर जमकर बरसे पैसा और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी, तो आप साल के पहले दिन कुछ विशेष उपाय कर ले। मान्यता है कि ऐसा करने से साल भर आप पर माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष और वृश्चिक राशि की। जी हाँ दोस्तों, मेष और वृश्चिक राशि के लोग पानी में लाल चंदन का पाउडर डालकर स्नान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से साल भर माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता रहेगा, घर धन भंडार भरे रहेंगे। इसके साथ ही आप नए साल के पहले दिन मसूर की दाल के दाने पक्षियों को डालें, इससे आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। अब हम बात करेंगे मिथुन और कन्या राशि की। नए साल के पहले दिन गाय को हरा चारा और गुड़ जरूर खिलाएं। इसके साथ ही बुधवार को विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करें। बुधवार को पक्षियों को हरे मूंग के दाने डालना भी शुभ रहेगा। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी और विनायक जी की कृपा बरसती है और घर में धन दाने की कभी कमी नहीं आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा को माना जाता है। इस राशि के लोग नए साल के दिन और सोमवार के दिन दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें और साथ ही महादेव जी के मंत्रों का उच्चारण भी करें। इसके बाद हम बात करेंगे वृषभ और तुला राशि की। जी हाँ दोस्तों, इन राशियों के जातक नए साल के दिन पक्षियों को चावल के दाने जरूर खिलाएं, साथ ही गाय को खीर खिलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और धन लाभ होता है। स्नान करते वक्त पानी में इलायची और केसर का पाउडर डालना भी न भूलें। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि का स्वामी सूर्य को माना जाता है। साल का पहला दिन रविवार है, ऐसे में आप 1 जनवरी को सुबह उठते ही सूर्य को अर्घ देकर इसके बाद पक्षियों को गेहूं के दाने और गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा आप पर साल भर बनी रहेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे धनु और मीन राशि की। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों राशियों के जातक साल के पहले दिन चावल और चने की दाल लेकर जल के साथ आम के पेड़ को अर्पित करें, चढ़ाएं। साथ ही अपने माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेना न भूले। इस दिन आप भगवान विष्णु जी की सच्चे मन से आराधना करें। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां आएगी और साल भर जमकर बरसेगी माँ लक्ष्मी जी की कृपा। अब हम बात करेंगे मकर और कुंभ राशि की। इन राशि के जातक माँ लक्ष्मी जी को गुलाब का फूल अर्पित करें, उनकी आराधना करें और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करके विशेष उपासना करें। इस उपाय से उनके मार्ग में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाएगी, जीवन में खुशियां भर जाएगी और साल भर पैसे की तंगी नहीं रहेगी, जमकर बरसेगा पैसा और साथ ही माँ लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।